हेलो भी आप सभी का एवी ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मेथिल ऑरेंज के बारे में पढ़ेंगे। मेथिल ऑरेंज एक छोटा सा टॉपिक है। ये मेथिल ऑरेंज जो है सिंथेटिक डाई है। इसका उपयोग ऊन और रेशे को रनिंग के लिए किया जाता है। यदि भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का टॉपिक मेथिल ऑरेंज। हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, एकदम छोटा सा और सटीक होना चाहिए। यह डाई एजुकेटेड सल्फोनिक अम्ल और डाई मेथिल एलानिन के साथ जैसे ह्यूमन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होता है मेथिल ऑरेंज। यह है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग का सेकेंड पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन। रिएक्शन भी बहुत छोटा सा है। ये हम लोग का है डाई एजुक्रिड सल्फोनिक एसिड। इसमें एजो ग्रुप डबल होने के कारण इसका नाम हो जाएगा डाई एजो और इधर सल्फोनिक एसिड जुड़ने के कारण इसका नाम हो जाएगा डाई एजुक्रिड सल्फोनिक एसिड। डाई एजुक्रिड सल्फोनिक एसिड को हम लोग डाई मेथिल एलानिन, ये हम लोग का डाई मेथिल एलानिन। इसमें मेथिल ग्रुप डबल होने के कारण इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल एलानिन के साथ जैसे ह्यूमन कराते हैं तो इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन HCl के रूप में बाहर निकल जाता है और जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होता है मेथिल ऑरेंज। बहुत सिंपल है। यहाँ से जो HCl है वो बाहर निकल जाएगा तो इन दोनों के बीच जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होता है मेथिल ऑरेंज। बहुत ही इजी था, सिंपल है इसका रिएक्शन भी। रिएक्शन के बाद हम लोग का अगला पॉइंट हो जाएगा क्वालिटी। यह एक अम्लीय रंजक है जो ऊन और रेशे को नारंगी रंग प्रदान करता है, परंतु जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ते जाता है या तो धोते जाते हैं तो इसका रंग जो है फीका पड़ते जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, यह अम्लीय क्षार अनुमापन के रूप में प्रयुक्त होता है। यह क्षार के साथ पीला रंग देता है, परंतु अंतिम बिंदु में जब हल्का सा अम्लीय हो जाता है तो यह लाल रंग देता है। यह लाल रंग में परिवर्तन बेंजोइड की संरचना से क्यूनोइड की संरचना में परिवर्तन होने के कारण होता है। ये सिंपल है, जैसे हम लोग इसको रंगते हैं अगर क्षारीय माध्यम में रंगेंगे तो ये पीला रंग देगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें अम्लीय हो जाएगा तो ये लाल रंग दे देता है। ये लाल रंग में जो परिवर्तन होता है वो हम लोग का बेंजोइड से क्यूनोइड में परिवर्तन के कारण होता है। इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के द्वारा समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, जब मेथिल ऑरेंज क्षार के माध्यम में होता है तो ये पीला रंग देता है, उस समय इसकी संरचना ऐसी होती है, परंतु जैसे ही इसमें हल्का सा अम्लीय हो जाता है तो यहाँ नाइट्रोजन के बीच जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को नाइट्रोजन और कार्बन के बीच शिफ्ट कर देता है और यहाँ का जो बेंजीन की जो डबल बॉन्ड है वो आने वाला नेक्स्ट कार्बन पर शिफ्ट कर देता है। इस प्रकार से ये इन दोनों के बीच जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को नाइट्रोजन और कार्बन के बीच शिफ्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार से दोनों नाइट्रोजन के बीच जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को नाइट्रोजन ले लेता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ नाइट्रोजन और यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये दोनों रिएक्शन कर लेता है और ये दोनों रिएक्ट करके बना देता है, यहाँ हो जाएगा NH। इसके संरचना इस प्रकार होगा, यहाँ जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये हो जाएगा NH और इसकी संरचना में चेंज हो जाएगा। इस संरचना को ही हम लोग बोलते हैं क्यूनोइड संरचना। इस संरचना में परिवर्तन होने के कारण इसका रंग जो है पीला से लाल हो जाता है। सिंपल है, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि ये है बेंजोइड की संरचना। बेंजोइड की संरचना में इस प्रकार रहेगा और क्यूनोइड की संरचना में ये चेंज हो जाता है। इसी को इस फॉर्म को ही बोलते हैं क्यूनोइड संरचना। इस कारण से इसका रंग हो जाता है पीला से लाल। इस प्रकार से हम लोग का मेथिल ऑरेंज का ही हम लोग का टॉपिक यही समाप्त होता है। यदि आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके अपने डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, ये तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट के बारे में पूछ सकते हैं।